नमस्कार। ऋतुएं, महीने, सप्ताह, दिन और घंटे आदि को समय इकाई के रूप में उपयोग करते हैं। मेरे पास मौजूद यह बहुउपयोगी टूल यानी वुडन कैलेंडर यह समझाने में मदद करेगा कि भारत में कितनी ऋतुएं हैं, साल में कितने महीने हैं, महीने में कितने दिन हैं और घड़ी में समय को कैसे देखते हैं। इस गतिविधि का उद्देश्य है महीनों, ऋतुओं और दिनों के नाम से अवगत कराना, दिनांक अंकित करना और घड़ी की सहायता से समय को प्रदर्शित करना और समय बताना। चौकोर आकार का यह उपकरण लकड़ी का बना है। कक्षा में इसे इस तरह से टांगा भी जा सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें समय को बताने के लिए दिनों की संख्या, महीनों के नाम, दिनों के नाम, ऋतुओं के नाम और मौसम के नाम मौजूद हैं। साथ ही इसके मध्य में यह घड़ी दी गई है। इसमें ये तीन पिंस भी मौजूद हैं जो दिन और महीने को प्रदर्शित करने में मदद करेंगी। गतिविधि की शुरुआत दिनों के नाम से करें। उदाहरण के तौर पर हम अक्सर पढ़ते हुए सप्ताह के दिनों का उल्लेख करते हैं। जैसे मैं सोमवार को बाजार जाऊंगा, तो मैं इस पिन को उठा के यहां सोमवार में लगा दूंगा। मेरी ट्रेन मंगलवार को है यानी इस दिन, तो मैं इसको यहां पिन में, यहां इसको पिन को लगा दूंगा। या क्या मैं कृपया शनिवार को आ सकता हूं, तो शनिवार कहां है, शनिवार यहां है, यहां पर आप पिन लगा सकते हैं। इस तरह सप्ताह के दिन हमारे समय को निर्धारित करने में मदद करते हैं। इसके पश्चात वुडन कैलेंडर का प्रयोग करते हुए बच्चों को सप्ताह के दिनों से परिचित कराएं और उससे संबंधित सवाल पूछें, जैसे सप्ताह में कितने दिन होते हैं, मंगलवार के पहले कौन सा दिन आता है, शुक्रवार और बुधवार के बीच कौन सा दिन आता है, सप्ताह का अंतिम दिन कौन सा है, सप्ताह का चौथा दिन कौन सा है, कल, आज और आने वाले कल की अवधारणा को समझने में उनकी मदद करें। उदाहरण के लिए, अगर आज शनिवार है तो कल क्या था। गतिविधि को आगे बढ़ाते हुए महीनों के नाम पर रोचक तरीके से चर्चा करें। जैसे बच्चों से पूछें कि गांधी जयंती किस दिन आती है। या आपका जन्मदिन किस दिन आता है। मेरा तो 5 सितंबर है। अब कौन सा महीना है। चलिए अब आपकी बारी। इसी तरह इस कैलेंडर पर हमारे राष्ट्रीय अवकाश को अंकित करें। कक्षा में चर्चा करें कि भारत में कितने प्रकार की ऋतुएं हैं। उन्हें बताएं कि इसमें बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, पतझड़ ऋतु, हेमंत ऋतु और शीत ऋतु शामिल हैं। साथ ही यह भी बताएं कि किस महीने में कौन सी ऋतु आती है। जैसे जनवरी के महीने में शीत ऋतु होती है। यहां महीने और ऋतुओं के संबंध को बताने के लिए एक ही रंग का प्रयोग किया गया है, जैसे जनवरी फरवरी में और शीत ऋतु में इस नीले रंग का प्रयोग हुआ है। इसी तरह जून में ग्रीष्म ऋतु होती है, जिस कारण इनमें पीले रंग का प्रयोग हुआ है। साथ ही यहां विभिन्न प्रकार के मौसम वर्णित किए गए हैं। बच्चों को इनका उदाहरण देकर बताएं कि मौसम जैसे वर्षा, तूफान, बर्फ, धूप, बादल किसी विशेष स्थान पर दिन प्रतिदिन की वातावरण की स्थिति को दिखाते हैं। हमें यह भी बताने की आवश्यकता है कि मौसम और ऋतुएं अलग अलग स्थानों पर अलग अलग हो सकती हैं।
उदाहरण के तौर पर भारत में कर्नाटक और केरल में ग्रीष्म और शीत ऋतु में शायद ही कोई अंतर होता है, जबकि भारत के अन्य राज्यों जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में सर्दियों में ठंडा और गर्मियों में गर्म मौसम होता है। बच्चों को इस कैलेंडर में चित्रित इस घड़ी की सहायता से सुइयों और संख्याओं की भी बुनियादी जानकारी दें, जैसे घड़ी में 1 से 12 तक की ये बड़ी संख्याएं घंटों को दर्शाती हैं और 1 से 60 तक की ये छोटी संख्याएं मिनट को दर्शाती हैं। साथ ही यह बड़ी सुई मिनट को दर्शाती है और यह छोटी सुई घंटे को दर्शाती है। जब मिनट की सुई 60 पर होती है तभी घंटे की सुई सटीक घंटे का समय दिखाती है। जैसे घंटे की सुई 3 पर है और मिनट की सुई 60 पर है, तो इसका मतलब इस घड़ी में 3 बजे हैं। इस घड़ी को उनके दैनिक जीवन से जोड़कर भी चर्चा करें। जैसे सुबह 6 बजे हम उठते हैं, शाम 5 बजे अपने दोस्तों के साथ खेलने जाते हैं, और इसी तरह से और भी दर्शा सकते हैं। चलिए हम आज के दिनांक और आज के समय को इस बोर्ड में दिखाते हैं। इस तरह आप भी इस वुडन कैलेंडर की सहायता से अपना जन्मदिन या अन्य खास दिन अंकित कर सकते हैं। चलिए अब आपकी बारी। धन्यवाद।